शहर को जाम से मुक्त करने के लिए गुरुवार को धर्मशाला बाजार से तरंग क्रॉसिंग तक पुलिस अधीक्षक यातायात महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में नागरिकों का समर्थन मिल रहा है तथा सभी नागरिक अपने स्वेच्छा से ही अतिक्रमण को हटा दे रहे हैं और जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के कार्यवाही की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी अपने घर दुकान प्रतिष्ठान के आगे किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करे और इस अभियान को बेहतर बनाने में सहयोग करें ताकि जनपद को सुंदर रखा जा सके। इस अवसर पर यातायात क्षेत्राधिकारी जेपी सिंह, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, निरीक्षक यातायात श्यामानंद राय, धर्मशाला चौकी इंचार्ज अरविंद सिंह तथा नगर निगम की टीम एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जो आम पब्लिक है उसको हड़काते हो। देखिए, स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर के साथ साथ सुरक्षित गोरखपुर, इसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण शहर के लिए अतिक्रमण मुक्त बनाने की योजना जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और एडीजी जोन और कमिश्नर महोदय की प्रेरणा से ये चलाया गया है। इसमें नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट
आरटीओ सभी विभागों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है। इसी शहर के इसी अतिक्रमण की सफाई के लिए आज धर्मशाला बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान सीओ ट्रैफिक और डिप्टी कलेक्टर दिग्विजय सिंह के निर्देशन में ये चलाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में नागरिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी नागरिक स्वेच्छा से ही अतिक्रमण को हटा रहे हैं और जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा भारी जुर्माना मौके पर ही वसूला जा रहा है। मेरा गोरखपुर के सभी निवासियों से अनुरोध है कि कृपया अपने घर के अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के आगे का अतिक्रमण स्वयं हटा लें और व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करें ताकि हमारे गोरखपुर के सौंदर्यीकरण में उनका भी योगदान हो सके। थैंक यू।